हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो गाइज, जैसे कि मैंने एक बार इंस्टाग्राम में 6 पिक डाला था, मतलब आप लोग को ऑप्शन दिया था कौन वाला मैं नेक्स्ट ड्रॉ करूं, तो जो सबसे ज़्यादा आप लोग चूज़ किए वो ये पिक है वेनम का। तो जब आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया ना, मतलब मोस्ट ऑफ द वोट जो गया वेनम को ड्रॉ करने के लिए, तो मैं बस ये सोच रहा था कि यार मैंने इस पिक को चूज़ ही किया, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड था ना। मतलब मैं जब चूज मिला तो मुझे लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, बट मैंने फिर से वही सोचा कि यार रियलिस्टिक करने की कोशिश करते हैं, एज मच एज पॉसिबल जितना भी होता है मैं करूँगा, बट करूँगा। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जब धीरे धीरे रिजल्ट आने लग गया ना, और इंटरेस्ट भी बढ़ गया और मज़ा आ गया एकदम ड्राइंग करने में, ठीक है, और आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ही चीज़ जान लो कि मैं 9 बजे फिक्स अपलोड करने वाला था, बट रीज़न ये है गाइस कि मुझे कंप्लीट हो गया था, बट अभी जो शूट कर रहा हूँ ये मैं 9 बजे के बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ गया था काम से, तो और लाइन भी बहुत सारा डिस्टर्ब कर रहा, तो अब मैं अपने टाइम को पकड़ के नहीं रख पा रहा हूँ। बाय द वे, जो भी है गाइस थोड़ा लेट हो रहा है, सॉरी, बट वीडियो को एंड तक देखो और उससे पहले लाइक कर दो, क्योंकि बाद में भी आप यही करने वाले हो। तो गाइस यहाँ पर देखो, मेरा आउटलाइन जो मैंने किया है वो ग्रिड से किया है, एंड जो मैं जब हाइपर रियलिस्टिक करना होता है ना, तो मैं फोकस करता हूँ सबसे ज़्यादा हाइलाइट्स पे फोकस करता हूँ, और उसमें क्या होता है कि जब मैं हाइपर रियलिस्टिक नहीं करता हूँ तो एक ही बार में ब्रॉड पार्ट को कलर कर लेता हूँ, बट इसमें जो है ना मैं वैसा नहीं करता हूँ, धीरे धीरे छोटे छोटे चीज़ों को भी ऑब्जर्व करता हूँ। हालांकि ये ट्यूटोरियल नहीं है, टाइम लैप्स है, बट कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपको बताना चाहिए मुझे, तो यही सब था, एंड बाकी ये टाइम लैप्स है। तो गाइस देखो पूरे लास्ट तक प्लीज़ देख लेना, बहुत मेहनत किया है, ज़्यादा देर का भी वीडियो नहीं है, और बहुत अच्छा भी लगेगा आपको देखने में। थोड़ा अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो शायद आपको मोटिवेट फील होगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जस्ट इतना ड्रॉ करने के बाद मेरा इंटरेस्ट क्या बताऊँ यार किस लेवल पे पहुँच गया, और एक्साइटमेंट भी ना बहुत ज़्यादा पहुँच गया, बट प्रॉब्लम ये है कि लाइट चला गया था, ठीक है, मतलब जब इंटरेस्ट आया एक्साइटमेंट आया तब लाइट चला गया, एंड आई मीन डिस्चार्ज हो गया था फ़ोन, तो फिर जब चार्ज हुआ तब जाके कर रहा हूँ, बट मज़ा आ रहा है। Oh,
got me falling in more times than I can get out. ये जो है ना कि जितने आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना, मुझे लगता है उससे ज़्यादा है। एंड आपको भी ऐसा फील होता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत की है एंड पता है कितनी कॉम्प्लिकेटेड था। और मुझे जहाँ तक लगता है ना गाइज कि आप लोग यूट्यूब में अगर देखोगे ना, वाटर कलर में, स्पेशली मैं वाटर कलर बोल रहा हूँ, पेंसिल स्केच वगैरह नहीं बोल रहा हूँ, वाटर कलर में इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक वर्क आपको शायद ही मिल जाए, बट ज़्यादातर आपको नहीं मिलेगा। और आपको अगर ऐसा लगता है ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मुझे लगता है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उसे थोड़ी सी भी फील नहीं हो रहा होगा कि मैंने गलत चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो गाइज़ अभी तो मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा बट रियलिस्टिक डायरेक्ट नहीं जाऊंगा मैं, धीरे धीरे अभी बस पोर्ट्रेट का जो होता है ना कलरिंग वो अभी बना रहा हूँ, ठीक है। और आप सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी आपको शेयर करने का मन है तो शेयर भी कर देना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। उससे पहले एक चीज़ जान लो कि जिसको भी गिवअवे वाला पिक भेजने में प्रॉब्लम आ रहा है तो उस ईमेल आईडी को छोड़ो, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में अदर ईमेल दे दिया है, वहाँ से जाके आप लोग भेजो जिसको भी इनवैलिड बता रहा है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।